नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, 2 दिन पहले ही मैं चैलेंज का वीडियो लेकर आया था। 7, 15 और 30 काफी भाइयों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। काफी भाई आगे आए और उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा, भैया आपको अनुभव किस पर शेयर करना है? देखिए, तो टेलीग्राम पर मेरा ग्रुप भी है पीआरजे मोटिव करके, हालांकि वो ग्रुप बंद रहता है, लेकिन आप उसमें मतलब मुझे मुझसे पर्सनल जो है टेलीग्राम पर मुझे मैसेज करके आप अपना अनुभव बता सकते हो। और ज्यादा परेशान अगर नहीं होना हो, ठीक है, तो आप सीधा यही वीडियो में, ये वाला वीडियो या वही वाला वीडियो जिसमें मैंने चैलेंज आपको दिया था, उसी में, ठीक है, अपना नाम लिख के कि मेरा अनुभव ये है, इस तरीके से आप उसमें लिख दोगे तो भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा, उसका तुरंत वीडियो भी बन जाएगा। ठीक है, मैं वैसा नहीं हूं मेरे भाई कि आप कमेंट करो और मैं जवाब ना दूं। ठीक है, मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि जितने भाइयों को जो महत्वपूर्ण सवाल होते हैं उनके जवाब में दे दूं। ठीक है, आप अपना अनुभव YouTube का अपने कमेंट बॉक्स में भी आप शेयर कर सकते हो, उस पर वीडियो बनेगा और आपको रिप्लाई भी मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, अब जो सवाल है वो ये, क्या हस्त मैथुन करने वालों की कोई इज्जत नहीं होती? भैया हमारे पास एक भाई का मैसेज आया था, वो यही कहते हैं कि भैया मैंने ये चीज महसूस करी है कि जब हम हस्त मैथुन ये जब करते हैं, एडिक्शन में जब हम आ जाते हैं, तो हमारी रिस्पेक्ट हर जगह से खत्म हो जाती है। कोई हमें पूछता ही नहीं, कोई हमें इज्जत देता ही नहीं। हम चाहते हैं मनी मन कि हमें रिस्पेक्ट मिले, लोग हमारी भी बड़ाई करें, हमारे माँ बाप के सामने हमारी तारीफ करें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्या ये हस्त मैथुन की वजह से होता है कि हम हस्त मैथुन कर रहे हैं इसलिए हमारी इज्जत भी डाउन होती जा रही है? और क्या ब्रह्मचर्य से हमारी इज्जत बढ़ेगी? जो आज हम लोगों की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्या ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद वो लोग हमारी इज्जत करने लगेंगे? अब चाहे वो कोई भी हो सकता है, रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कोई लड़की हो सकती है। तो जरा विस्तार से इस वीडियो को जरा समझेंगे, सबकी परिस्थितियां अलग अलग है। ठीक है, आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा मैं और थोड़ा अपना अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा। देखें, जो आपने बात कही कि जैसे कि हम जानते हैं कि हस्त मैथुन करने वाला व्यक्ति का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब व्यक्ति अंदर ही अंदर अपनी एक इमेजिनेशन, एक कहानियां बुनने लगता है ना, तो वो बाहर के लोगों से संपर्क तोड़ लेता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि बाहर जो भी लोग हैं सब बुरे हैं, सब बेकार हैं। समझ रहे हो बात को? उसके मतलब दिमाग में ऐसा चलता है कि बाहर जो लोग भी हैं सब ऐसे मतलबी हैं, बेकार के लोग हैं। देखो बात कहीं ना कहीं ठीक भी है, लेकिन मैं ज्यादा इसमें वो नहीं बोलूंगा। ऐसा लगता है कि यार बाहर क्या किसी से बात करो, क्या किसी से बोलो, सब ऐसे ही हैं। और अंदर ही अंदर लगता है कि मैं खुद भी उनको फेस नहीं कर पाऊंगा। यानी कि जो हस्त मैथुन करने वाला व्यक्ति है उसका कॉन्फिडेंस इतना गिर जाता है कि उसको खुद ही लगता है कि मैं किसी और को फेस ही नहीं कर पाऊंगा और ना ही उससे बातचीत कर पाऊंगा। तो उनके मन में ऐसा एक डर, एक भय रहता है, हमेशा एक भय बना रखना। ऊपर से ओवर थिंकिंग, बहुत सारे विचार उनके दिमाग में आते हैं, जो चीज हुई नहीं है उसके बारे में भी सोचते रहते हैं रात दिन। ओसीडी होना और उसी को सोचते रहना, रातों में नींद ना आना, गंदे गंदे सपने आना और फलाना फलाना बहुत कुछ। ठीक है, तो देखें आज अगर हम इज्जत की बात करें कि आप सोचते हैं कि मुझे रिस्पेक्ट मिले, मुझे इज्जत मिले, तो वो बनानी पड़ती है, कमानी पड़ती है। आज की दुनिया में आप चाहते हो कि घर बैठे, मेरी बात को ध्यान से समझना, आज की दुनिया में आप चाहते हो कि घर बैठे मुझे कोई रिस्पेक्ट दे, कोई इज्जत दे। क्यों भाई, आपने ऐसा क्या काम करा? सोच के देखिए, आपने ऐसा क्या करा? अगर आप स्कूल में हैं तो भैया सब विद्यार्थी एक जैसे, ठीक है, तो आपने कोई बड़ा काम तो किया नहीं, तो जो दूसरे विद्यार्थी हैं वो आपको कमजोरी आकेंगे, अरे ये तो ऐसे ही है, कॉलेज में है कमी आकेंगे। देखिए, इज्जत कब होती है इंसान की? जब वो अपने जीवन में सफल हो जाता है। ये कटु सत्य है, मैं बता रहा हूं आपको, ये कटु सत्य है। तुम अपने जीवन में ही झांक कर देख लेना मेरे भाई, आजू बाजू या खुद को या अपने परिवार में किसी को लेकर। जो सफल हो जाता है, जो पैसे कमा रहा है, उसकी ही रिस्पेक्ट है। बात समझ में आ रही? अभी इसमें ब्रह्मचर्य का बात में बताऊंगा क्या है क्या नहीं। ठीक है, अब देखो, जब हम हस्त मैथुन की बात करते हैं तो ये चीज जब आप कर रहे हो लगातार पिछले 5 साल से 8 साल से, तो आप ये चीज तो समझ लो कि आपके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। अगर आप लगातार इसमें एडिक्शन में हो, बाहर निकलना चाहते ही नहीं हो, हिम्मत ही नहीं करना चाहते हो, तो आपके लिए सारे रास्ते बंद हैं। आप घर घुसे हो जाओगे, आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, आपका पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। भाई कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है आज के समय में, वही खत्म हो गया। लोगों को फेस ही नहीं कर पाते साहब, किसी से आंख नहीं मिला पा रहे, आंख मिला रहा तो नीचे झुक जाती है, डर जाते हैं जैसे कि भैया उसके घर में डाका डाल दिया और चोरी कर ली हो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर आप हस्त मैथुन कर रहे हैं तो भाई लगातार आप जो है नीचे दलदल में धंसते ही जाओगे, तो स्वाभाविक है कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। आज उसी की इज्जत है जो सफल है, जो बढ़ चढ़ के आगे कामों में आता है, लोगों मतलब अलग ही लोगों को लगता है कि यार इस व्यक्ति का ऑरा बहुत अलग है, लोग उससे दोस्ती करना चाहते हैं, उसी की रिस्पेक्ट होती है। सीधी सी बात समझो, है ना। अब जैसे कि विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई में आप अच्छे हो तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, विद्यार्थी हैं। कोई बहुत अच्छा है पढ़ने लिखने में, पूरे स्कूल में मॉनिटर है, ये फलाना है, उसका अलग ही ऑरा, पढ़ाई लिखाई में एकदम बढ़िया है, उसको रिस्पेक्ट मिलेगी। आप बुद्धू हो तो बुद्धू का रिस्पेक्ट मिलेगी, टीचर की नजरों में आप बुद्धू हो, विद्यार्थियों की नजरों में आप बुद्धू हो, क्योंकि आपने अपने आप को ऐसा बना लिया है। ऊपर से भैया पूरी तरीके से अंदर ही अंदर बर्बाद होते जा रहे हो। वो चीज जो तुम्हें ग्रो करने में मदद करेगी, तुम्हारा पूरी तरीके से जो मानसिक विकास कर सकती है, जो शारीरिक विकास कर सकती है, वो ऊर्जा को तुमने नालियों में बहा रहे हो, तो कहां से कुछ होगा? तुम कुछ और हो सकते हो, लेकिन कुछ और ही बन गए हो। मेरी बात समझ में आ रही है? देखें, तो ये चीज समझिए,
हस्त मैथुन करने से आपके जीवन पर बहुत ज्यादा इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ऐसा पड़ता है, बहुत ज्यादा पड़ता है। अब असल में कुछ ऐसे चीजें बीच में आ जाती हैं। हमारे भाई कहते हैं कि मेरा एक मित्र है, वो भी भैया हस्त मैथुन करता है, मास्टरबेशन करता है, लेकिन भैया वो बड़ा हैप्पी है, खुश है, या मतलब बिल्कुल ऐसा मस्त रहता है। वो तो खुला खुलम खुला कहता है कि हाँ मैं तो करता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ और निकालता हूँ जम के, मुझे तो कुछ नहीं होता, वो तो ऐसा कहता है। तो देखो भाई, अब जिनने सवाल पूछा ये विद्यार्थी हैं स्कूल के हैं, तो उन्हें यही कहूंगा, जो भी भाई ऐसा आपको लग रहा है ना कि वो हस्त मैथुन कर रहा है, बड़ा ही खुश है, अभी उसने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया है। असल में क्या है ना, किसी किसी को साइड इफेक्ट बहुत देरी में मिलते हैं। अब ऐसा है कि अगर आपने उस साइड इफेक्ट की अनुभूति कर ली तो आप मतलब समझ जाओगे अपने जीवन में, शायद आप समझ जाओ अगर थोड़ी हिम्मत आप कर लो। कुछ कुछ का ऐसा है जिसने एक्सेप्ट ही करके रखा हुआ है कि अरे कुछ नहीं होता यार, हिलाओ खूब। उस व्यक्ति का जीवन में कुछ एक ऐसा देखो लक्ष्य नहीं है ना, कुछ वो ऊपर उठना चाहता है, बस मस्त है, खाया पिया, बाप का पैसा है, सब प्रॉपर्टी है, बढ़िया बैठे हैं, पैसे वाली पार्टी है, मस्त है जीवन में, सब हो जानी है, शादी वादी, पैसा है, हमका डिमका सब हो जानी। उसका कोई एक ऐसा मोटिव नहीं है कि वो कुछ अलग कुछ करना चाहे, अध्यात्म में कुछ करना चाहे, ऐसा उसका कोई मतलब मकसद नहीं है। वो सिंपल बस लाइफ जीना चाहता है, मनोरंजन है, बढ़िया है, ऐश। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसे लोगों के लिए ब्रह्मचर्य है भी नहीं, ठीक है। और किसी किसी के साथ क्या होता है, उन्हें पहले पहले पता नहीं चलता कि इसके साइड इफेक्ट हैं। मेरी बात को समझना, हमारे साथ भी यही हुआ था, मैं अपना खुद का अनुभव आपको बता रहा हूँ। पता नहीं चलता शुरू में, ऐसा लगता है अरे तो निकालने के लिए तो है, करो खूब करो एंजॉय, लेकिन एक साल में पता नहीं चलेगा, दो साल में पता नहीं चलेगा, तीन साल में पता नहीं चलेगा, चार साल में, पांच साल के बाद धीरे धीरे जो लगातार कर रहा है उसे पता चलेगा, जो मेरी एज में होंगे 25-26 में। बाकी जो अभी छोटे हैं तो भैया बहुत खुशकिस्मत हो, अगर तुम्हारे एडिक्शन को सिर्फ 3-4 साल ही हुए हैं तो तुम तो भाई बहुत आगे बढ़ सकते हो। मैं 8 साल में निकला तो तुम तो निकल ही जाओगे भाई, हिम्मत करो, बिल्कुल इससे निकल सकते हो। देखो छोटी मोटी परेशानियां होती रहती है, मेरा मुद्दा बस ये है कि दुनिया में क्या हिलाने को आए हो, बस ये बात है। पूछो अपने आप सवाल, क्या हिलाने के लिए आए हो, क्या ये क्या करने आए हो, पूछो अपने आप से, ठीक है। माँ बाप ने इसलिए पैदा किया कि बच्चे क्या हिलाएगा मेरा बेटा, थोड़ा सोचो। अब बात करते हैं, देखो क्या ब्रह्मचर्य से हमारी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। जैसा कि हम कहते हैं ब्रह्मचर्य के फायदों में कि ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद आपको एक ऊर्जा की अनुभूति होती है, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होता है। अब कॉन्फिडेंस चार दीवारी के अंदर नहीं आएगा, उसके लिए लोगों को फेस करना होगा, बाहर निकलना होगा। और जो आपके मित्रगण हैं, जो विद्यार्थी जो आपको कल तक बेवकूफ समझते हैं, गधा समझते हैं, क्या ब्रह्मचर्य का पालन 1 महीना या 10 दिन भी कर लेंगे तो क्या वो हमारी इज्जत करने लगेंगे? बिल्कुल नहीं, वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे, वो उसी में आकेंगे और आपको लगातार तोड़ने की कोशिश करेंगे। तुम मेरी बात को ध्यान से समझ लेना। तुमने एक स्कूल में हो या कॉलेज में हो, आप कहीं भी कर रहे हो, आप रोज किसी चीज को फेस कर रहे हो जहां पे लगातार आपको डिमोटिवेट किया जाता है, आपको भला बुरा बोला जाता है। अब अगर आप उसमें आप लगे कि मैंने 10 दिन या 20 दिन ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, लेकिन क्या वो सामने वाला मेरी इज्जत करेगा? तो नहीं करेगा जी, बिल्कुल नहीं करेगा। वो आपको वैसे ही देखेगा जो पहले दिख रहा था, उसमें उसको अभी आप में कोई बदलाव नजर नहीं आया है। और ये चीज आपको तोड़ सकती है, आपके मन में आ सकता है यार 20 दिन ब्रह्मचर्य को होगा यार, यूट्यूब वीडियोस में तो देखा था, पीआर जी तो ये बता रहा था कि कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ऑरा बढ़ जाता है, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं, तो ऐसा होता है, तो वैसा होता है, सब बकवास लग रहा है यार मुझे तो, यार मेरे तो जीवन बर्बाद हो गया, क्या करूं, परेशान हो रहा हूं, बहुत ज्यादा मास्टरबेशन ही कर लेता हूं, ये होता है हाल, डिमोटिवेट हो जाते हैं और उनका ब्रह्मचर्य टूट जाता है। यानी कि ब्रह्मचर्य के 10 दिन भी हो गए और उन्हें असफलता मिल जाए या कोई भला बुरा बोल दे, या तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा ब्रह्मचर्य तो गया भी है, मतलब 10 दिन में ब्रह्मचर्य असर दिखा दे, 20 दिन में ब्रह्मचर्य असर दिखा दे, तो आप गलत हैं। देखो उसके लिए आपको रिस्पेक्ट कमानी पड़ेगी, जैसा कि मैंने कहा, अगर आप विद्यार्थी हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करते करते आपको उन सबको फेस करना होगा। जो चीज करने में डर लगता है वही करना होगा, जो चीज करने में डर लगता है उसी को फेस करना होगा, उसी को पूरा करना होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करने के वास्ते पढ़ाई पर पूरा फोकस करना शुरू कर दो। रात में सोशल मीडिया चलाते हो, उसकी जगह बुक्स पकड़ लो, पढ़ना शुरू कर दो। जब पेपर में कहीं में भी या टेस्ट में आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आपके नंबर अच्छे आएंगे, तो उन्हें बदलाव दिखेगा। मेरी बात को ध्यान से समझना, ये बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, खासकर स्कूल वाले या कॉलेज वाले। पढ़ाई में ध्यान लगाओगे, आपके अच्छे मार्क्स आने लगेंगे, तो उन्हें लगेगा यार ये पहले तो इतने अच्छे मार्क्स नहीं लाता था, इसके अंदर ऐसा क्या बदलाव आ रहा है, जो पढ़ाई कर रहा है उसके इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। पढ़ाई करोगे जब तुम्हारा ध्यान उस अश्लीलता से हटेगा, पढ़ाई पे ध्यान लगाओगे, तभी तो तुम अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो ना। तो लोग देखेंगे, विद्यार्थी देखेंगे, अरे यार ये तो यार कमाल कर दिए, पास कैसे हो गया, इस बार अच्छे मार्क्स लेके आए। तो धीरे धीरे ऐसे ही इज्जत मिलती है भैया, अगर तुम धीरे धीरे ऐसे बढ़त बनाओगे तो इज्जत मिलेगी। तुम किसी स्पोर्ट्स में भाग नहीं लेते, तुम स्कूल में कबड्डी हो रहा है, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही है, तुम डर जाते हो, नहीं 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 उसमें वो है, उसमें वो है, वो लड़का है, वो मुझे मार देगा, धक्का दे देगा, ऐसा दे देगा, डर जाते हो, चुपचाप बेंच में कहीं जाके चुपचाप बैठ जाते हो। उस चीज को फेस करना शुरू करो। ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, एक्सरसाइज शुरू करो, एक्सरसाइज करोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो चीज करने में डर लगता है उसे फेस करो, ठीक है। हो सकता है तुम उस कबड्डी खेल रहे हो या कुछ भी खेल रहे हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्कूल की, कुछ भी ऐसा कर रहे हो जिसमें तुम्हें डर लग रहा है, तो उसमें भाग ले लो, ले लो भाग। क्या होगा, गिर जाओगे, चोट लगेगी ज्यादा से ज्यादा, क्या होगा इससे ज्यादा,
मेरी बात समझ, वहां टीचर वगैरह और रहते ही है, ऐसी कोई बात तो है नहीं कि कोई आपको मारे जाएगा। भाग लो, हार जाओगे कोई बात नहीं, लेकिन एक स्टेप आगे बढ़ाओ, दूसरा स्टेप आगे बढ़ाओ, तीसरा स्टेप आगे बढ़ाओ। धीरे धीरे जो आज वो विद्यार्थी वगैरह है ना, इन्हें बदलाव दिखेगा आपके अंदर, उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। बैठे बैठे नहीं होगा कि एक महीना 30 दिन 4 दीवारी के अंदर ब्रह्मचर्य मैंने कर लिया, अब मैं स्कूल जाऊंगा, अब मैं कॉलेज जाऊंगा, अब मैं बिजनेस पे जाऊंगा, अब मैं नौकरी करूंगा, सब मुझसे अट्रैक्ट हो जाएंगे, मुझे प्यार करने लगेंगे, मुझे इज्जत देने लगेंगे। जी नहीं, जब बाहर जाओगे वो तब भी वैसे ट्रीट करेंगे आपको, आपको करके दिखाना होगा। दुनिया लोहा उसी का मानती है जो कुछ करेगा, जो मेहनत करेगा, दिखाएगा अपने आपको कि यार मैं कुछ हूं, उसी की इज्जत है। मेरी बात आपके कान में बिल्कुल भेजे में समझ में आ घुस गई होगी आपके अच्छे से, खासकर मेरे छोटे भाई के, आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। तो आपको ये चीज तो पहले करनी है, ब्रह्मचर्य के पालन से बहुत बेनिफिट मिलेंगे आपको, मैंने बहुत बार बताया है, बस उसके लिए हमें एक्शन लेते रहना है, ठीक है। और यही एक्शन में जान डालेगा ब्रह्मचर्य, यही हिम्मत देगा। जब तुम एक स्टेप आगे बढ़ाओगे, तुम्हारा भले तुम उसमें आउट हो जाओ, हार जाओ, कुछ भी असफलता, लेकिन तुमने स्टेप तो आगे बढ़ाया ना, जिस पर चुपचाप पीछे तो नहीं खड़े रहे। अब दूसरा बढ़ाओगे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, तीसरा बढ़ाओगे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, बस मास्टरबेट मत करने लगना। अगर मास्टरबेट करने लगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ब्रह्मचर्य का लगातार पालन करते चलो और लोगों को फेस करते चलो, चुनौतियों को फेस करते चलो, जो चीज में कमजोर हो उस पर काम करना शुरू करो। शरीर दुबला पतला है, ताकत नहीं है हाथ पैरों में, एक्सरसाइज करना शुरू करो, हैवी वर्कआउट करना शुरू करो, ठीक है। ध्यान करना शुरू करो, जो समय पढ़ाई में देना चाहिए वो समय पढ़ाई में लगाओ, होगा, समय लगता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा। मेरा अनुभव मेरे भाई देखो यही रहा है, मेरे जीवन में बहुत से नेगेटिव लोग हैं, आज भी हैं, ठीक है। अब मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा वो अपने अनुभव पर ही बनाने वाला हूं, ठीक है। और उसमें बताऊंगा कि कैसे मैं लोगों को फेस करता हूं, मेरे जीवन में क्या है, क्या लोग मुझे माला पहनाते हैं, डमडम जो है वो बजाते हैं क्या, ढोल ढक्कन के वाह 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 पीआर जी आया तो क्या है मेरे साथ, मेरे रिश्तेदारों को क्या हाल चाल है, मेरे आजू बाजू पड़ोसियों को क्या हाल चाल है, मैं घर में कैसा हूं, मैं बाहर कैसा हूं, इस पर एक मैं वीडियो बनाने वाला हूं, ठीक है। और मैं बताऊंगा कि ब्रह्मचर्य आपके लाइफ को कैसे चेंज करता है, ठीक है। तो ये वीडियो महत्वपूर्ण होगा, अगला वीडियो मैं वही बनाऊंगा, थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप उसको देखना मेरे भाई, समझना, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। बाकी हाँ, जिन भाइयों ने चैलेंज एक्सेप्ट किया है, भैया पूरी मेहनत से आगे बढ़ो, काम करो, मेहनत करो, और कमेंट बॉक्स में अपनी तरक्की बताते रहो। अरे आज अगर तुमने 10 उठक बैठक भी मार ली ना, दंड बैठक भी मार ली ना, बता दो कमेंट में, भैया आज मैंने 10 मारी, दंड बैठक मारी, पुशअप करी, बताओ, छोटी छोटी चीजों बनाओ, सीढ़ियां बनाओ, मोटिवेशन दो अपने आप को, ठीक है। बाकी चलिए भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।